तेल में देख सकते हैं वहाँ पे लगातार पकौड़ा तलने का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। पकौड़ा बहुत स्वाद था, PhD ने बनाया था ना जी, मोदी जी के डायरेक्शन पे बना था। मार्गदर्शन विश्व गुरु का हो और PhD पकौड़े बनाए तो स्वादिष्ट तो बनेगा ही ना। भारत की बेटी को आज पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आज पढ़े लिखे वर्ग को पकौड़ा बेचना पड़ रहा है। पकौड़े लेकर जाना चाहती है क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। मैं अपने ही देश में कमाकर खा नहीं सकती, मेरे खिलाफ स्ट्रेटजी साजिश है और मैं शुक्रगुजार हूँ आज जितने भी सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा UC देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली के कांग्रेस AICC दफ्तर में मौजूद हैं और आपको हम पीछे की तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे लगातार यहां पे आपको डॉक्टर ऋतु आपको यहां पे पकौड़े का ठेला लगाकर यहां पे लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और आपको ये जो पकौड़े का जो ठेला यहां पे लगाया गया उसमें जो चाट है वो चाट को हम जरा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे जुमले पकौड़े और यहां पे इस तरफ की बात करें तो आलू पकौड़े, तमाम जो पकौड़े की जो वैरायटी है जो लगातार आज यहां पे ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये एक तरीके से एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। पीछे की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आपको दिख रहे होंगे, उधर सुप्रिया स्मिथ दिख रही हैं, उधर पवन खेरा जी दिख रहे हैं और तमाम कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो तमाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, महमूद प्राचा भी आपको दिख रहे होंगे और ये तमाम लोग आज यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में AICC दफ्तर में पकौड़े का ठेला लगाने का काम कर रहे हैं और पकौड़ा छाट रहा है। एक तरफ चाय, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था, पकौड़े बेचना भी पकौड़े तलना भी एक तरीके से ये एक रोजगार है और आपको तेल में देख सकते हैं वहाँ पे लगातार पकौड़ा तलने का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है और एक तरफ बगल में चाय, ये लगातार रोजगार के लिए, रोजगार को लेके, क्योंकि ये PhD कर रखे हैं इसके बावजूद आज ये पकौड़ा का ठेला लगाने के लिए मजबूर है, तो ये भी एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण की बात करती है और पीछे आपको पोस्टर पीछे के अगर पोस्टर दिखाने का प्रयास करें तो पीछे के पोस्टर में लिखा हुआ नारी न्याय है हम तैयार, मतलब महिलाओं को जो न्याय, महिलाओं को भागीदारी या देश में महिलाओं की जो भागीदारी की बात होती है वो इसके लिए एक यहाँ से करारा जवाब, करारा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। यही चाहते हैं वो कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा इन्हीं चीजों में उलझे रहे, एकमात्र खाना खाने के लिए हमें इतना उलझे रहना पड़ता है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करो, जैसे प्राची साहब ने आपको बताया आज 194 डे है मेरे प्रोटेस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके बावजूद हम पे लाठियां बरसाई गई, हमें डिटेन किया गया, 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा दी। क्या काम है दिल्ली विश्वविद्यालय में 144 सेक्शन का? वहाँ तो लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर होता है, प्रेजेंटेशन होती है, चार लोग तो एक साथ मिलेंगे आपको हमेशा खड़े, और वहाँ पे कंटिन्यूसली जिस जगह हमारा धरना आप सबने देखा है, RSS की शाखा चलती है बिल्कुल हमारे पीछे, वहाँ पे 100-200 लोग एवरी डे RSS की शाखा, तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, रूल सिर्फ उनके लिए जो हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हक मांग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्याय की। जब आप न्याय मांगते हो तब आपको डंडे पड़ते हैं, तब आप पे 100 धाराएं लगती है 44, और मेरे से रोजगार छीना, यार आप कहते हो कि आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हो, मैं अपने ही देश में कमाकर खा नहीं सकती, मेरे खिलाफ स्ट्रेटजी साजिश है और मैं शुक्रगुजार हूँ आज जितने भी सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलका जी हैं, पवन जी हैं और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सुप्रिया जी हैं, अविनाश पांडे जी मेरे एडवोकेट जो कि एक लीडर है हम सब बहुजन समाज के लिए, एडवोकेट महमूद प्राचा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो डोमिनेंट, विच मे बी आप सबको लगता होगा कि मुस्लिम एक इंसान है, बट फॉर अस ही इज ट्रू अम्बेडकराइट एंड ही इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी कॉज। जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं, अगर आज हम बच्चे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं छात्र, और मैं एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी की, हम लोगों के पीछे अगर हमारी कोई बैकबोन है, ताकत है, तो ये शख्सियत है जो पीछे खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा, और हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। हम लोगों ने ये प्लानिंग करी थी क्या होगा, विपक्षी दलों के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो EVM से जीतेंगे ना, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज EVM, ये हमें लग रहा है, क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा होता चुनाव से पहले, तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है, EVM खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर सड़कों पर ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे। तो बेटियों के साथ जो अन्याय देश भर में हो रहा है उसे आज 8 मार्च को देश के सामने इस तरीके से शर्मिंदगी के तौर पर लाना पड़ रहा है कि एक प्रोफेसर दलित परिवार से बेटी संघर्ष करती है, लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, FIR दर्ज कर दी गई, 144 लगाई। तो आज अगर महमूद प्राचा जी हूँ
हमारे एक समाज से आते हैं, दलित समाज से दूसरी आती है। आज मेरे साथ पवन छेड़ा जी, सुप्रिया जी, पूरी कांग्रेस आप अगर यहाँ देखेंगे, जब इन्होंने कहा कि हम अपना स्टॉल पकौड़ों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने पैसा लेकर पकौड़े और चाय अपनी कैंटीन है पर वहाँ से नहीं आज इनसे खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदों को जिंदा रखना है और इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि किसी भी दबाव में आकर, किसी भी FIR से, लाठी से धरना जो है, डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, झुक नहीं रहे और यहाँ से बता रहे राष्ट्रपति जी तक पकौड़े लेकर जाना चाहती है, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके पास जाकर ये पकौड़े बेचकर अपनी ईमानदारी से मेहनत की कमाई कमाना चाहिए, वो भी अभी सरकार को मंजूर नहीं है। मोदी जी, आपका परिवार है या नहीं आपको बताना। एक दलित लड़की जो काबिल है, PhD कर चुकी है, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर हटाया। महमूद प्राचा जी ना केवल उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं बल्कि उनको कदम कदम पे उनके साथ खड़े हैं ताकि वो अपना आंदोलन कर सकें। एक भारत की बेटी को आज पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकोड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही हैं। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आएँ और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज PhD करने के बाद भी इन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे। सर, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार इसको कैंपेन के तौर पर आए ना, रितु सिंह को अपना परिवार माने ना पहले। उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत है, क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? सर, आज यहाँ पे डॉक्टर रितु कांग्रेस दफ्तर में पकौड़े का ठेला लगा रहा है और आपने भी पकौड़ा खाया, कैसा पकौड़ा था? पकौड़ा बहुत स्वाद था, PhD ने बनाया था ना जी, मोदी जी के डायरेक्शन पे बना था, मार्गदर्शन विश्व गुरु का हो और PhD पकौड़े बनाए तो स्वादिष्ट तो बनेगा ही ना। तो क्या कुछ कहना चाहिए, लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही हैं दिल्ली की सड़कों पर लेकिन सरकार की निगाहें पड़ नहीं रही, इनको न्याय मिल नहीं रहा है, आज ये कांग्रेस के दफ्तर में आई हैं। क्योंकि भाजपाई और RSS के लोग नहीं है ना ये जी। आज केवल और केवल मलाई वो लोग खा रहे हैं जो भाजपाई और RSS के लोग हैं, बाकी सब अन्याय पे पूरा अपना अन्याय का सामना कर रहे हैं। पूरे देश में आज सांसद भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, सांसदों को भी 150-150 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड कर दिया जाता है। आज युवा, महिला, किसान, मजदूर सब परेशान हैं और जो जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है कांग्रेस पार्टी उनके साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी से साथ है, लेकिन एक भी एक तरफ सरकार मोदी का परिवार, मोदी का परिवार लिख रही है हर जगह, मोदी का परिवार, तो क्या ये डॉक्टर रितु मोदी के परिवार में नहीं आती है? ये बात तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं कि मणिपुर उनके परिवार में है कि नहीं है, क्या केवल नीरव मोदी, ललित मोदी और बृजभूषण शरण सिंह ही, कुलदीप सेंगर ही उनका परिवार है, ये मोदी जी बेहतर बता सकते हैं। और एक तरफ महिला दिवस के अवसर पर पकौड़े का ठेला, क्या कुछ संदेश इसका? महिला दिवस पे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड अगर किसी को देखना है आज महिला दिवस पे तो यहाँ कांग्रेस के कार्यालय में एक ठेला लगा हुआ है, उस पे प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड सबको दिख रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि आज पढ़े लिखे वर्ग को पकौड़ा बेचना पड़ रहा है पर डॉक्टर रितु सिंह को पकौड़े बेचने से भी जो है रोका जा रहा है और इनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है और हमारा सर बहुत झुकता है कि आज वुमेंस डे का दिन है और माननीय प्रधानमंत्री जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी करने में विफल हैं पूरी तरीके से, ना महिला सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना महिलाओं के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज देश में हर 24 घंटे के अंदर जो है 4 बलात्कार जो है हम सह रहे हैं और आप ये देखिए कि वुमेंस डे पे इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि एक महिला को पढ़ी लिखी जो इतने दिनों से अपने लिए जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है आज उनको कांग्रेस दफ्तर में आकर अपने पकौड़े बेचने पड़े और ऑपोजिशन पे आके गुहार लगानी पड़ी और हम सब उन्हीं के साथ हैं। और बात करते हैं नारी न्याय की तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी जो है हर जगह हर स्टेट में जो है नारी न्याय को लेके जो है वो सम्मेलन कर रही हैं और नारियों के प्रति जो है बिल्कुल जागरूक हैं और उनको न्याय जो है न्याय का हक मिलने तक जो है न्याय जो है हम दिलवा कर रहेंगे।